नमस्कार। ये अपडेट है जो कनाडा के एस्पिरेंट्स हैं और कनाडा के जो स्टडी वीज़ा जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है और उनको इंटरव्यू की कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं। सबसे पहली बात यह है, देखिए जैसे तो कुछ चीज़ें क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि हमारा आपको मैंने बताया था काफ़ी घनिष्ठ लिंक्स हैं कैनेडियन एम्बेसी के अंदर भी। तो लाइक यूएस ऐसा नहीं है कि सबका इंटरव्यू होगा, इनके पास इतना समय ही नहीं है सबका इंटरव्यू लेने का, रैंडम आ रही है। और आपको मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि इस समय जो आपकी फाइल, अगर आज आप डालते हो बायोमेट्रिक दे के आए तो आपकी फाइल पिकअप ही महीने बाद होती है। तो मतलब पहली बार जब सिस्टम आपकी फाइल पे पहुंचता है, और आपको पता ही है कि जो कनाडा का वीज़ा प्रोसेस है इट्स अ मिक्स ऑफ ऑटोमेटेड प्लस मैनुअल चेक। अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि चाहिए सिर्फ उन्हीं को ऑप्शन दे रहे हैं या उन्हीं को बुला रहे हैं जिनको रिजेक्ट करने वाले थे, क्योंकि चुका है यूट्यूब में मेरे को पता चला। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अगर आपको इंटरव्यू कॉल आ गया दैट मीन्स कि आपकी फाइल डामाडोल थी, अभी तक ये क्लैरिटी नहीं करी है। लॉजिकली हम कह सकते हैं कि ठीक है, जिनको उनको जिनके फाइल को देख के लग रहा है कि हमें इनसे बात करनी चाहिए डिसीजन देने से पहले, एक्सेप्टेंस का या रिजेक्शन का, आई थिंक। तो लॉजिकली जो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी कहता था कि कुछ फाइल्स होती हैं जो बिल्कुल ओके होती हैं, आपकी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, आपकी क्या रिसेंटली आपने क्लास 12th पास की है CBSE बोर्ड से, आप दिल्ली, मैं बाबर दिल्ली एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हम सबको देखिए मानना चाहिए कि पंजाब हरियाणा थोड़ा बदनाम है इस मामलों में और सब एम्बेसीज को ये मालूम है। तो जब हम कई जगह अप्लाई करते हैं, एक्चुअली अगर सारे पेपर सेम होते हैं तो एक पंजाब के बच्चे को जिस नज़रिए से एम्बेसी वाले देखते हैं और दिल्ली वाले को देखते हैं या फिर साउथ में आंध्रा वाले को देखते हैं, वो फ़र्क हो जाता है, या महाराष्ट्रियन को देखते हैं। और यूके में तो कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं कि जब वो आयल्स वेवर दे रही होती हैं तो स्पेशली कहती है कि पंजाब और हरियाणा बोर्ड की 12th की मार्कशीट के बेसिस पर नहीं देंगे। तो ये कुछ हार्ड फैक्ट्स हैं, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। इसको एक्सेप्ट करते हुए तो रैंडमली कॉल्स आती हैं, और मैं सॉरी, तो मुझे लगता है रैंडम नहीं, तो देर आर ऑलवेज थ्री केसेस। एक होता है कि पक्का एक्सेप्ट करना है, एक होता है कि पक्का रिजेक्ट करना है, क्योंकि उनको देखते ही पता चल जाता है ना फंड्स है ना कुछ है, जबरदस्ती अप्लाई कर दिया है ना आयल्स है। एक ना मिड होता है, मिड होता है जहाँ पर वीज़ा ऑफिसर भी श्योर नहीं होता, और मैं शुरू से अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ, वो एज को लेके हो सकता है कि इफ़ यू आर ओवर 28 29 या आपका थोड़ा सा गैप दिख रहा है उसको, तो जिसमें होता है ना कि देर इज़ ए ग्रे एरिया। मेरा अपना मानना यह है कि जो ग्रे एरिया के लोग होंगे उनको ये इंटरव्यू कॉल आएगी। तो ऐसा मत सोचिए कि मैं बच गया, अगर इंटरव्यू कॉल आ गई मतलब मैसेज आ गया तो मतलब कि मैं तो रिजेक्ट होने वाला था, चलो मुझे मौका मिला है। या मुझे, मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ कि अभी भी आप सीधा रिजेक्ट हो सकते हो बिना ये इंटरव्यू मैसेज आए। सो देर वुड बी ड्रेड रिजेक्शन ऑल्सो, देर वुड बी ड्रेड एक्सेप्टेंस ऑल्सो। मैं ये कहूँगा जो ग्रे एरिया के लोग थे उनको मौका मिलेगा कि जाके अपने आप को जस्टिफाई कर लीजिए, वरना वो दोबारा से वीज़ा फाइल लगाते थे अक्सर, राइट। तो ये हो गया कि किन को ये इंटरव्यू कॉल आने की उम्मीद है। तो मैं हमेशा समझाता हूँ ग्रे एरिया, ग्रे एरिया का मतलब जो हमारे पास जो फाइल आती है ना, वी आर सो श्योर। मैं आपको बताऊँ, हम हमेशा बच्चे से कहते हैं कि तेरा 110% वीज़ा है, और आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि इसका आया ना हो। और किसी को देख के लगता है कि हम खुद ही कहते हैं जी हमारा बिल्कुल मन नहीं है तेरा केस में काम करने का, तेरे वीज़ा के चांस 50% है। अक्सर ही वो होगा भाई जो एज 30 से ऊपर हो, कोई गवर्नमेंट जॉब ना हो घर में, मतलब उसका पूरा एक लॉजिक होता है, या आप छोटे कोर्स के लिए जा रहे हो ग्रेजुएशन के बाद 1 साल के या 12th के बाद 1 साल के, तो आपको पता होता है कि 50 60% है। और कुछ हो गया 95% कि आपका छोटा ड्यूरेशन है लेकिन अच्छा कॉलेज है, आपके बाकी प्रोफाइल अच्छी है, आयल सब कुछ अच्छा है, फंडिंग अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, गैप अच्छी तरह से फुलफिल्ड है, वर्क एक्सपीरियंस में ऑनलाइन सैलरी अकाउंट में आ रही है। मैं बार बार कहता हूँ, जैसी वीडियो के माध्यम से दोबारा कह दूँ, वर्क दिखाना खाली पेपर पे और वर्क दिखाना विद ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर सैलरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो जब भी जो लोग कनाडा के लिए प्लान कर रहे हैं, दुनिया में किसी के लिए भी प्लान कर रहे हैं, ऑनलाइन सैलरी लीजिए अपने एम्प्लॉयर से, उसे रिक्वेस्ट कीजिए। और आप किसी के से अगर वैसे ही वर्कर्स ले रहे हैं तो भी उसी से लीजिए जो आपको ऑनलाइन सैलरी दे, ओके। तो ये सब चीज़ें हैं, और यही सब चीज़ें सेकेंड स्टेप इंटरव्यू में या उस मीटिंग में ली जाएंगी। तो सेम आपकी GC की में, जैसे जो आपको पता, जनरली सबसे पहला लेटर आता है वीज़ा कन्फर्मेशन जिसमें रसीद आती है, दूसरा होता है वीज़ा सबमिशन कन्फर्मेशन, तीसरा होता है बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर, उसके बाद अक्सर कोई अपडेट नहीं आता, सीधा वो आता है डिसीजन। अब ये चौथा आ रहा है, फिलहाल जो भी आ रहा है वो महीने का गैप है, दैट मीन्स
बीसीए लेटर और उसमें महीने का गैप पहला, दैट मीन्स उनका अब वो आपकी फाइल पे पहुंच गए थे। मेरा जैसे कहा कि मेरे को लगता है कि वो रिजेक्शन करने से पहले चेक करना चाहते हैं या एक्सेप्टेंस करने से पहले, मतलब आप वो 90% वाले केस थे तो देखना चाहते हैं कि क्या वो आपको धक्का दे के पास कर दें या फेल कर दें, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। सिंपल सी बात है, देखिए आप 90% वाले थे तो आपको जाके जस्टिफाई करना है। मैं बार बार कहता हूँ इसी इंटरव्यू के इसी वीडियो के माध्यम से दोबारा समझाता हूँ, मेरी फेमस दो लाइनें शायद मैंने बनाई हैं कि हर वीज़ा ऑफिसर जो आपको स्टडी वीज़ा दे रहा है उसका पर्पज़ तो यही है ना कि आप मेरे देश में खाली पढ़ने आ रहे हो और आओ पढ़ो और अपने देश में वापस जाओ। और यही हम एसओपी में भी लिखते हैं हमेशा आखिरी पैराग्राफ में कि व्हाट आई विल डू आफ्टर कमिंग बैक टू इंडिया। तो चार शब्दों में वीज़ा ऑफिसर अच्छा बच्चा अच्छे घर से देख रहा है, अच्छा बच्चा अच्छे घर से, अच्छे बच्चे की पहचान अगर आप फ्रेशर हो, आपकी स्कूलिंग कॉलेज परफेक्ट है, आपके मार्क्स परफेक्ट है, बैकलॉग कम है और आपका आयल स्कोर अच्छा है और लास्ट में आपने एसओपी अच्छी ले दी। आप अगर आपके बीच में गैप है तो आप वर्क एस है आपका वो परफेक्ट है विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स, अच्छा घर, आपके पेरेंट्स का आईटीआर अच्छा है, उनकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, वैल्यूएशंस अच्छे हैं, प्रॉपर्टी वगैरह अच्छी है, मतलब कि आपके पास आप एक अच्छे फिनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। समटाइम ना अच्छी फैमिली का ये भी हो जाता है, मैं आपको बताऊँ बिल्कुल खुली बात है, अगर स्टूडेंट जा रहा है उसके पेरेंट में से एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, 30 साल में अगर आप अप्लाई कर रहे हो और आपका स्पाउस एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, इन चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि फिर आपके एयरपोर्ट से गायब होने की संभावना कम हो जाती है जो वहाँ का वीज़ा ऑफिसर देख रहा है। तो इन सबको मद्देनजर देखते हुए आपको प्रूव करना होता है अच्छा बच्चा अच्छे घर से, नॉट ओनली कैनेडा बिकॉज वी हैव बीन यू नो ट्रेनिंग अवर स्टूडेंट्स फॉर यूएसए वीज़ा एंड वी हैव बीन ट्रेनिंग अवर स्टूडेंट फॉर ऑस्ट्रेलिया जीटी इंटरव्यू या यूके क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। तो इस समय यूके में वो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू हो रहा है जो यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं, क्योंकि आप वीज़ा डॉक्यूमेंट फाइल करने जब VFS जाते हो तो वो तो आपसे बात नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया में GTE होता है, तो बस कनाडा में ना कुछ हो नहीं रहा था, वरना US में वीज़ा वाला बात कर रहा था, UK में क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है और ऑस्ट्रेलिया में GTE इंटरव्यू होता है, बात भी होती है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। तो सेम चीज़ है कनाडा की, और मैं हमेशा भाई कहता हूँ कि शायद आप उस कंसल्टेंट से काम कराइए अपना जो फ्यूचर वाले बच्चे हैं, जो सिर्फ कनाडा नहीं करता बाकी सारे भी काम करता है, बाकी सब कंट्रीज भी करता है, और जिनको एक्सपीरियंस है आपको इंटरव्यू के लिए ट्रेन करने की, क्योंकि इंटरव्यू की ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कैसे होना है कैसे होना है। मैं ये दावा नहीं करूँगा क्योंकि अभी तो पेपर्स आने शुरू हुए कनाडा के, हमारे जितने भी अभी 3 बच्चों का हुआ है तो सबका पास हो गया, मतलब पास की पहचान भी यही है कि जब PPR आएगा तभी पता चलेगा पास हुआ, अभी रिजल्ट नहीं आया ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन हाँ, हमारे ऑस्ट्रेलिया के बच्चे या UK के बच्चों का इंटरव्यू हमेशा पास हो जाता है, वेरी सिंपल रीज़न, हमको जादू करनी है बट वी वर्क विद द स्टूडेंट, वी ट्रेन द स्टूडेंट ऑफ अस। और ये ऑप्शन जो भी इस वीडियो को सुन रहा है उसके लिए भी अवेलेबल है, आप किसी भी कंसल्टेंट से काम कर रहे हैं, डायरेक्टली काम कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी वीज़ा फाइल में नज़र मारें, आप चाहते हैं कि हम आपके इंटरव्यू के लिए हेल्प करें, अगर आपकी कॉल आ गई है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, वी चार्ज नॉमिनल फ़ी और उस फी को लेकर हम आपकी मदद कर सकते हैं। और वो नॉमिनल फीस मैं आपको तो वो अक्सर जो मैंने बोला कि आज तक हमारा ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी परफेक्ट रहा है, उससे ज़्यादा शायद मैं वीडियो में नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन हम इंटरव्यू पास करने में आपकी मदद करते हैं आपकी अच्छे से ट्रेनिंग करा के। ओके, सो ये है ब्रॉडली अपडेट अबाउट कैनेडियन इंटरव्यू। देखिए घबराता वही है जिसको शायद जिसने आइल्स भी जुगाड़ से करा है या जो चलता है कुछ जगहों पे कि आयल्स स्कोर कार्ड में छेड़खानी की गई थी लेकिन आप उसके लायक नहीं थे। देखिए आयल्स में भी स्पीकिंग तो बेचारे आपका टेस्ट कर ही रहे थे ना, स्पीकिंग का मतलब यही था कि चेक करना कि आप कैसे बोलते हो, लेकिन स्पीकिंग भी कभी कभार स्टूडेंट रट्टे मार के पार कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अब एक एम्बेसी का बंदा आपसे रेंडमली बात करेगा, कैजुअली बात करेगा, एक तो वो फ़र्क है, और दूसरा वीज़ा के स्पीकिंग टेस्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं होते, लेकिन यहाँ पर वो आपको ग्रिल डाउन करेगा, जो भी आपने SOP में लिखा है आपके एजुकेशन से रिलेटेड, आपके वर्क एक्स से रिलेटेड, आपके पेरेंट्स के फिनेंशियल से रिलेटेड, आपने अगर कोई वैल्यूशंस प्रॉपर्टीज दी हैं अपनी तो उनसे रिलेटेड वो आपसे पूछ सकता है, जो भी चीज़ें आपकी वीज़ा फाइल में लगी हैं। जैसे हम जानते हैं वीज़ा फाइल लगाते हैं तो 11 चीज़ें चढ़ती हैं, अब आपकी फ़ोटो में तो कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है, मेडिकल आपने दे दिया, GIC का पैसा आपने दे दिया, फीस आपने दे दी, आपके कॉलेज के बारे में पूछ सकता है कि कौन सा कॉलेज है, कौन सा कोर्स है, उस कोर्स से आप क्या करने वाले हो, वो सब चीज़ें जो SOP में लिखी हुई हैं। तो SOP में अगर 10 सेक्शन होते हैं आपके बैकग्राउंड के बारे में, आपके चाइल्डहुड के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपके फ्यूचर कोर्स के बारे में,
आपकी फंडिंग्स के बारे में, आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में ब्रॉडली ही पूछा जाएगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ, खासकर जो डिग्री वाले जिनके डिग्री जिन्होंने थोड़ी जुगाड़ से इंतज़ाम की है या वर्क एक्सपीरियंस वाले, इन दोनों को बहुत ज़्यादा ग्रिल किया जा सकता है। आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में आपसे बहुत डिटेल में पूछा जा सकता है, और अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे तो आप मुश्किल में आ जाओगे। तो इन बातों का ध्यान रखिए, सब कुछ आराम से हो जाएगा। बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। और जो हमारे साथ हमें कॉन्टैक्ट करना चाहे 9643362320 पे कॉल कीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। बाय बाय।